प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेन वुमेन एंड डॉग में। आज के वीडियो में हम बनाएंगे खट्टा मीठा पोहा का चिवड़ा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। आप इसे घर पे जब चाहे बना सकते हैं और इसे कभी भी खा सकते हैं, फिर चाहे वो शाम के चाय के साथ नाश्ता हो या फिर लेट नाइट क्रेविंग हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने लिया है पोहा, ये 1 kg के करीब पोहा है, ये पतले वाले पोहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ऑयल फ्राई करने के लिए, 1/2 cup के करीब लिया है मैंने कच्चा शिंगदाना, 1/2 cup रोस्टेड चना, 1 cup के करीब मैंने सूखा नारियल ले लिया है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, 1/2 cup मैंने लिया है काजू, 1/2 cup बादाम, थोड़ी सी किशमिश, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हींग और 1 चम्मच खसखस ले लिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया। साथ ही मैंने 10 से 15 हरी मिर्च कट कर लिए छोटी छोटी और ढेर सारा फ्रेश कड़ी पत्ता। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है और एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है ताकि हम ड्राई रोस्ट कर सकें। गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और अब हम पोहा को ऐड कर लेंगे। हमें पोहे को ड्राई रोस्ट करना है। हमारा सारा मेहनत इसे रोस्ट करने में ही जाएगा, बाकी का प्रोसेस बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पतला वाला पोहा है, इससे पोहा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। मैंने दूसरा पैकेट भी ऐड कर लिया है। अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। आपको कंटिन्यूस चम्मच चलाते रहना पड़ेगा ताकि ये नीचे ना लग जाए, हर तरफ से इक्वली कुक हो जाए, इसलिए आपको चम्मच चलाते रहना पड़ेगा। अब पोहा रोस्ट हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैंने हाथ में थोड़ा सा पोहा क्रश कर लिया है और क्रश करने से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि पोहा रोस्ट हो गया है अच्छे से। आप चाहें तो थोड़ा सा खा के भी देख सकते हैं। अगर ये क्रिस्पी है खाने में, इसका मतलब पोहा रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस पोहे को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। हम वापस गैस ऑन कर लेंगे। अब इसी बर्तन में अब हमने यहाँ पे ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करना होगा क्योंकि हमें सभी चीज़ों को इसी ऑयल में फ्राई करना है। गैस की फ्लेम मैंने वापस लो कर दी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शिंगदाना ले लिया है, अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और खाने में कड़वे लगेंगे। नेक्स्ट, अब जो हमने यहाँ पे सूखा नारियल लिया था, इसे भी यहाँ फ्राई कर लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है तो आप ध्यान रखें। देखिए ये अब ब्राउन कलर का हो गया है तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब सारी चीज़ों को 1 by 1 ही फ्राई करें। नेक्स्ट, अब हमने जो रोस्टेड चना लिया था, ये ऑप्शनल है बट इसे मैंने फ्राई कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे काजू ऐड कर लिया है और ये जो बादाम है इसे भी हम इसके साथ ऐड कर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। इनका कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स और नारियल फ्राई हो चुके हैं। अब हम किशमिश को फ्राई कर लेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है तो आप ध्यान रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये फूल जाए इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम ऐड कर लेंगे जीरा और जैसे ही जीरा थोड़ा चटकने लग जाए हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और ढेर सारा फ्रेश कड़ी पत्ता। अब हम ऐड करेंगे सूखा धनिया, सौंफ और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। अब हम ऐड करेंगे हींग। नमक यहाँ मैंने 2 चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब हम ऐड करेंगे खसखस, जिसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं। अब हम ऐड करेंगे शक्कर। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फ्राई कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ पोहा। पहले मैंने थोड़ा पोहा ऐड किया है ताकि इसे मिक्स करना आसान हो। अब बचा हुआ पोहा भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप इसे बैच वाइज ऐड करें और मिक्स करें। और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब जितने हमारे फ्राई किए हुए आइटम्स थे उसे भी हम इस पोहे के साथ ऐड कर लेंगे। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे बहुत ज़ोर से ना करें वरना पोहा टूट जाएगा। लीजिए, तो हमारा खट्टा मीठा क्रिस्पी पोहा का चिवड़ा बनके तैयार है। ट्रस्ट मी गाइस, ये मार्केट के चिवड़े से 100 गुना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। क्योंकि ये घर पे बना है तो आप इसे टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप इसे 1 महीना एयरटाइट डब्बे में रख के भी यूज़ कर सकते हैं। और ये छोटे हो या बड़े या फिर बुज़ुर्ग, हर किसी को ये बहुत पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हैं, जहाँ हमारे चैनल मैन वुमेन एंड डॉग्स रिलेटेड बहुत सारे अप टू डेट हम पोस्ट करते रहते हैं। तो आप हमें वहाँ भी फॉलो करें। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड। बाय।